नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत, तो स्वागत है आप सभी का आकृति इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको शुगर केन मशीन का फुल डेमो देने वाला हूँ। शुगर केन की मशीन आप जानते हैं कि आजकल लोग या तो शॉप पे भी लगा सकते हो, छोटी सी जगह पे। ये हैंडी मशीन है, मतलब आपको कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है इस मशीन के लिए। तो आप चाहो तो एक छोटे से स्पेस में भी इसको चालू कर सकते हो, या आप अपने एक कार्ट लगाना चाहो तो कार्ट के अंदर भी इसको हम इंस्टॉल करके दे सकते हैं। उसके लिए आप नीचे नंबर दिया हो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जितने मेरे पास ये गन्ने हैं उसका वजन करूंगा और टोटल आपको बताऊंगा कि कितना हमारा जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है। वन बारी में, एक ही बारी में एक्सट्रैक्ट कर देती है पूरा जूस इसके अंदर, पूरा जो इसका गन्ने का रस है वो एक ही बारी के अंदर निकाल देती है। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग, मैं इसका पहले वजन करता हूँ गन्ने का, टोटल नेट वेट कितना है। तो पहले मशीन ऑन करते हैं हम, तो मशीन को जीरो होने देते हैं। अब हमारी मशीन जीरो हो चुकी है जैसे आप देख रहे हैं। तो अब इसको हम गन्ने को रखेंगे। तो इसका नेट वेट आया है 2 किलो 960 ग्राम। 2 किलो 960 ग्राम जो है इसका वजन है नेट, जो गन्नों का वजन है। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं गन्नों को, और अब हम जो है इसको जार का वजन कर लेते हैं कि जार में जब हम इसमें निकालेंगे तो पता होना चाहिए। 640 ग्राम जो है हमारा जार का वजन है, तो इसको हम यहाँ से ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है जी, इसको हमने ज़ीरो कर दिया, माइनस 640 ग्राम ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब हम जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने एक जूस वाले भैया को भी बुला रखा है जो शुगर केन का बिजनेस करते हैं, पहले से ही कर रहे हैं, तो उनको हम इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ पे। मिस्टर सर, आप प्लीज़ आइए और हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए। तो सर हमारे साथ आ गए हैं, जो आपको दिखाएंगे कि कैसे ये ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी मशीन को, और हम लोग इनके साथ देखेंगे कि ये कैसे इसको चालू करते हैं। सर को मैंने पहले भी, इनको पता ही है सारा कि वन पे जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक को नहीं पता कि फॉरवर्ड अगर आपने चलाना है, मतलब सीधा सीधा जाएगा, तो उसके लिए एक बटन है, और रिवर्स मोड पे चलाना है, मतलब बैक अगर बाय चांस कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी मतलब इशू आ गया, तो सेकंड फॉरवर्ड करा, रिवर्स बटन दबाया तो वो गन्ना बाहर निकल रहा है। क्या पता कभी कुछ गलत चीज़ भी डाल देता बंदा, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ ब्रीफ में। और इसके अंदर हम अभी नींबू वगैरह और अदरक वगैरह और ये आपका क्या कहते हैं पुदीना वगैरह नहीं डालेंगे, अभी मेन हम गन्ने का जूस निकालना है तो वो निकालेंगे, बाकी आप वो भी डाल सकते हो इसके अंदर, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे आप निकालना चाहो वैसे आप निकाल सकते हो। तो सर आप पहले वन पे दबाएं, चालू करें इसको और निकालें जूस। ये देखिए पूरा क्रश होके, कैमरा में थोड़ा अब यहाँ पे भी दिखा दो सर एक बारी कि कैसे क्रशिंग निकल के आ रही है इसकी। और आप देखो कितना बढ़िया ढंग से जूस निकल के आ रहा है। और ये देखोगे आप, इसका जो छन्नी है इसके साथ में ही लगी हुई है, तो आपको कोई अलग से इसके अंदर आपको साफ करने की जरूरत नहीं कि आपको अलग से कोई छन्नी लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नेट वेट कितना है। तो एक बारी सर आप रख दीजिए इसमें, एक किलो 340 ग्राम जो है वो जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है इसके अंदर से, एक 3 किलो के आपका जो जूस एक्सट्रैक्टर है उसके अंदर से। बाकी ये आपका इसका जो कूड़ा हमने सारा पहले पीछे वो लगा दिया था जो गन्ने का बचा, अब ये देखो इसके अंदर कोई जूस बिल्कुल भी नहीं बचा, बिल्कुल ड्राई हो रखा है।
और गन्ने की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर गन्ने के अंदर रस भरा होगा तो उसमें ज़्यादा निकलेगा, कहीं क्या है जैसे अब ये ड्राई थोड़ा गन्ना होगा तो उसमें थोड़ा सा कम निकलेगा क्योंकि वो पहले से थोड़ा सूखा होता है। तो वो चीज़ आप देख लें, जो भी जैसा भी आप गन्ना लेंगे उस हिसाब से उसका रस निकलेगा, आपका शुगर केन एक्सट्रैक्ट होकर निकलेगा। और हमने आपको पूरा आपको दिखाई दिया, -640 है। उसके बाद आपका नेट वेट जो आया हमारे पास 1 किलो 340 ग्राम हमारा इसके अंदर जूस एक्सट्रैक्ट हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। मतलब इतना ज़्यादा आपका जूस एक्सट्रैक्ट में लगभग आपका 50% के आसपास जूस एक्सट्रैक्ट होके निकला है और बाकी आपका जो गंद है वो इसका यहाँ पे निकल गया। और ताकि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को आपको शेयर करें और लाइक तो करके जाना ही है, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अकृति इंडस्ट्रीज।